नमस्कार दोस्तों, देश विदेश जॉब वाला यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वीडियो जो है खासतौर पे उनके लिए जो सोनभद्र रहते हैं, सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज पड़ता है। रॉबर्ट्सगंज में जो है 22 अगस्त 2024 को सुजुकी मोटर्स के लिए इंटरव्यू होने वाले हैं। तो जो भी हमारे भाई लोग सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज या इसके आसपास ज़िलों में हों, जैसे आपका मिर्ज़ापुर हो गया, बनारस हो गया, भदोही हो गया, चंदौली हो गया, ठीक है, आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, ठीक है, मऊ हो गया, बलिया हो गया, ठीक है, तो जो भी आपका गोरखपुर हो गया, ठीक है, तो ये पूर्वांचल में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर आप सोनभद्र में क्या कहते हैं कि आसपास हो या आप 22 तारीख को उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है, तो आप सभी जो है सुजुकी मोटर्स का इंटरव्यू दे सकते हैं। जिनकी भी क्वालिफिकेशन आईटीआई है, 2 साल की आईटीआई जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी उम्र जो है 18 से 24 साल तक होनी चाहिए। मतलब 22 तारीख को जो इंटरव्यू होगा उसमें आपकी उम्र 18 कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 24, ठीक है। तो 18 से कम वालों को नहीं लेंगे इंटरव्यू में, और 24 से ज़्यादा वालों को नहीं लेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। तो अपने एज के हिसाब से आप लोग डिसाइड कर लीजिए। ये जो सुजुकी मोटर्स के इंटरव्यू होंगे ये आपका गवर्नमेंट आईटीआई रॉबर्ट्सगंज में होंगे, ठीक है, सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज पड़ता है, रॉबर्ट्सगंज में ही आपका सुजुकी मोटर के इंटरव्यू होंगे गवर्नमेंट आईटीआई रॉबर्ट्सगंज में, ठीक है। तो एक बार आप लोग को एड्रेस क्लियर कर दे रहे हैं, ये आपका गवर्नमेंट आईटीआई रॉबर्ट्सगंज में होगा 22 अगस्त 2024 को सुबह वही 9-10 बजे से। गवर्नमेंट आईटीआई जो रॉबर्ट्सगंज है वो आपका नियर लोढ़ा टोल प्लाजा है, उसी के पास है, रॉबर्ट्सगंज में, सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। दोबारा एड्रेस रिपीट कर देते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई रॉबर्ट्सगंज नियर लोढ़ा टोल प्लाजा, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 22 अगस्त 2024 को होगा, मतलब आज 20 तारीख है, परसों होगा 22 तारीख को, ठीक है। 2 साल की आईटीआई कंप्लीट हो और 18 से 24 साल तक आपकी उम्र हो। 18 से कम वालों को नहीं लेंगे इंटरव्यू में, और 24 से ज़्यादा वालों को नहीं लेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। अब आपको सैलरी बता देते हैं। सैलरी जो है 24,550 मंथली सीटीसी सैलरी है, ठीक है, और जो जॉब लोकेशन रहेगा वो हंसलपुर रहेगा, गुजरात में अहमदाबाद पड़ता है, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर हंसलपुर है। हंसलपुर में ही सुजुकी मोटर्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पे कार, बाइक, स्कूटी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता है। तो वही सुजुकी मोटर्स के हंसलपुर प्लांट में ही आपका जॉब लोकेशन रहेगा। सैलरी जो है 24,500 सीटीसी सैलरी है मंथली, इसमें से आपका शायद 3600 रुपये पीएफ का कटता है। 3600 पीएफ जो कटता है, आप सभी जानते हैं पीएफ तो मिल जाता है बाद में, ठीक है। उसके बाद जैसे जो गुजरात नई जगह है आपके लिए, आप चाहते हैं कि आपको प्लांट के आसपास ही आपको रहने खाने की व्यवस्था मिल जाए, तो कंपनी ही शायद मुहैया कराती है, ठीक है। जो अधिकारीगण होंगे वो सारी डिटेल बता देंगे आप सभी को वहाँ पे इंटरव्यू में, लेकिन कुछ जो जानकारियाँ हैं तो पता चला है कि 1,000 रुपये रेंट लगता है रहने होने का, और अगर आप चाहते हैं कि रहने के साथ साथ खाने की भी व्यवस्था हो जाए वहीं, तो 800 रुपये और एक्स्ट्रा लगते हैं। मतलब टोटल 1,800 रुपये में आपका रहना खाना भी हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और 3600 1,800 ये कटेगा अगर आप रहना खाना चाहते हैं, रेंट वगैरह, और 3600 रुपये पीएफ कटता है, ठीक है। तो सब कुछ कट पिट के आपका इन हैंड, मतलब आपके अकाउंट में जो आएगा वो आराम से 17,000 तक आराम से इन हैंड आएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले अपना रिज्यूमे, मतलब बायोडाटा, सीवी जिसे कहते हैं, ठीक है, 10वीं 12वीं आईटीआई की मास्टर्स की फ़ोटो कॉपी ओरिजिनल भी रख लेंगे, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटो कॉपी रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल देश विदेश जॉब वाला को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो जाते जाते मैं फिर याद दिला दें, 22 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट आईटीआई रॉबर्ट्सगंज में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के सुजुकी मोटर्स के इंटरव्यू होंगे। तो अपने जान पहचान में लोगों को भी लेके आ सकते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 2 साल की आईटीआई कंप्लीट है, और क्या कहते हैं उम्र 18 से 24 साल तक। इसी के साथ इस वीडियो में देते हैं, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।